मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ जहां शिवराज सरकार फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों को साधने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगा रही है। कमलनाथ सरकार में कृषि मंत्री रहे सचिन यादव ने फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के साथ मजाक करने का आरोप सरकार पर लगाया है, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखे में रखने का आरोप कांग्रेस पर लगाया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में हमारे किसानों की फसलें खराब हुई और जिस प्रकार से सरकार को इस विपदा में, इस आपदा में किसानों की मदद करनी चाहिए, वो पहल सरकार की तरफ से नहीं दिख रही। सरकार सिर्फ अपनी ब्रांडिंग, अपनी मार्केटिंग करने के चक्कर में लगी हुई है। चार बार बीमे की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर करने के लिए चार बार तारीख जो है बदली गई, और जब तारीख बदली और जब पैसा 18 तारीख को जो है किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर करने से पहले ही सरकार एक आदेश निकालती है और उस आदेश में सरकार ये निर्देश देती है कि जो भी बीमा राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा रही है, उस बीमा राशि से जो किसान साथियों के ऊपर जो कर्ज है, उस कर्ज की वसूली जो है उस बीमे की राशि से की जाए। जो राशि किसानों के खातों में डाली गई उसका बड़े डिटेल में आदरणीय जीतू पटवारी जी ने आप सबको बताया। कहीं किसी के खाते में 4 रुपये गए, किसी के 8 रुपये गए, कहीं 16 रुपये गए। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कई अनेकों गांव हैं, उन गांव में एक भी किसान को बीमे की राशि नहीं मिल पाई। तो किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने के चक्कर में, अपनी इमेज बिल्डिंग करने के चक्कर में आप किसानों के नाम पर उनको छलने की कोशिश कर रहे हो, किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हो। आज ये वक्त झूठी पीठ थपथपाने का नहीं है, आज ये वक्त वाकई में हमारे किसान साथियों को मदद की आवश्यकता है, उनको सहयोग की आवश्यकता है, उनके जो दुख है, उनका जो दर्द है, उनके आंसू पोंछने का ये वक्त है। मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूँ कि ये शोशाबाजी बंद करें और असल में जो है हमारे किसान साथियों की मदद करने का काम करें, उनको सहयोग प्रदान करने का काम करें। किसान को धोखे में रखा कर्जा माफी का कहने से तो दुष्परिणाम तो दिखाई देते हैं। कह दिया 10 दिन में 2 लाख माफ कर देंगे, भरोसे में रहा, नोडूज नहीं मिल पाया, नया कर्जा नहीं मिल पाया, निराशा के आगोश में गए। जाएं जाने को कौन रोक सकता है, लेकिन कम से कम इस बात को तो स्पष्ट करें कि ऐसा किसान के साथ ये कांग्रेस ने धोखा दिया क्यों।